मोहन नगर परिषद सेक्टर है। हाँ मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती स्वाति पांडे। आपका सेंटर? वाली चौकी जस्ट जी। जी हाँ, आपने मुझे 3 बॉटल तेल दिया था। पर सबसे अच्छी बात कि जिस बच्चे को मेरे यहाँ निमोनिया की शिकायत थी, उस बच्चे के निमोनिया में काफ़ी आराम हुआ है। काफ़ी आराम, जी हाँ। इस बच्चे को निमोनिया की शिकायत होती थी। जी हाँ, निमोनिया होता था, सर्दी बनी ही रहती थी उसको, जिसके कारण वो उल्टियाँ बहुत करना था। उसको ये तेल का प्रभाव उससे ज़्यादा अच्छा हुआ। आपके इंचार्ज कौन है? श्रीमती अर्चिता यादव। तो बच्चों कितना कितना वजन बड़ा बच्चा होगा? सर जब उस बच्चे को तेल की शुरुआत की थी जब तो 8 किलो 700 ग्राम वजन था उसका। हाँ, हाँ। उसके बाद 2 महीने में 9 किलो 500 ग्राम उसका वजन था। अच्छा वजन बढ़ गया सर। जी हाँ। बड़ी बात सर, पर उसको तो निमोनिया की शिकायत थी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। पर अच्छा, उसकी मम्मी का कहना है कि हमको इस तेल से निमोनिया की शिकायत काफ़ी दूर हुई है। अच्छा, जी, जी, एक नई बात। जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा हमारा? जी हाँ बढ़िया। हाँ होगा सर, अगर कंटिन्यू चलता रहा तो। धन्यवाद। आपका सीओ साहब ने आपसे कहा था तेल लगाओ बच्चों को? जी हाँ सर, सीएम जो सर ने हमको बोला था। हाँ। हमने लगाया। हाँ। बच्चों को सीने पे और पीठ पे लगाया। कितनी देर मालिश करी? 5-7 मिनट आगे की, 5-7 मिनट पीछे की। अच्छा, और बच्चों को लगाया, इससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। सर्दी खांसी ठीक हुई है, भूख बढ़ने लगी है, कुछ कुछ बच्चे चलने भी लगे हैं जो बिल्कुल नहीं जाते थे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कुपोषित बच्चे आते हैं जो बहुत ही सुस्त होते हैं। हाँ, तेल से बहुत फायदा हुआ है। अच्छा हमारा जी सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ बच्चों को? अच्छी चीज है ना। अच्छा ये बताओ, हमको ऐसे मानो बच्चों को तेल दे देंगे अपन, घर पे तेल लगाते रहेंगे कि भर्ती नगद कमाई नहीं बच्चों? हाँ कमाई। हम चाहते हैं मतलब सबसे गाँव में माताओं सबको तेल दे ले जाए, तो फिर बच्चे तेल लगाते रहेंगे कि भर्ती संख्या कम घटेगी? घटेगी संख्या, अपना कम हो जाएगा यहाँ भर्ती होना है ना। हाँ। है ना, बच्चे भर्ती होंगे नहीं। हाँ। खाली उनकी होगी नहीं। हाँ। है ना, ये सहमत है इस बात से आप? ठीक, धन्यवाद। क्या मैडम? बुद्धि विद्या। कौन सा केंद्र आपका? मेरा केंद्र खलासी प्रक्रमांक 2 सिंधी छावनी। हमने आपको तेल दिया था? जी सर। कब दिया था? सर आज से 2 महीने पहले दिया था। हाँ हाँ, फिर आप तेल लगाया बच्चों को लगवाया? तो हमने मेरे जो 5 बच्चे थे। हाँ हाँ। मैंने उनमें से सही बच्चों को तेल दिया। हाँ। और मालिश किस तरीके से करना है वो सब बताया। हाँ। कम से कम 5-5 मिनट मालिश करनी है। हाँ, ठीक, ठीक। उसमें से जो चिराग था वो तो उसका ग्रेट परिवर्तन, वजन तो बड़ा है लेकिन ग्रेट परिवर्तन नहीं हो पाया। ठीक, ओके। वो ऋषि है जो रेड में था, रेड से वो येलो में आ गया। ठीक, अच्छा। ऐसे ही एक बच्ची थी अर्शी नाम की, जो वो पैरों से चलने में थोड़ी कमजोर थी। हाँ। लेकिन उसके तेल मालिश बराबर उसकी माँ ने की, हमने हाँ। भी समझाइश दी, तो तेल मालिश करने से उसके चलने में फर्क आया है। हाँ। वो थोड़ा थोड़ा चलने लगी। वो ग्रेड परिवर्तन हुआ, ग्रेड परिवर्तन भी हुआ, वो येलो में थी जो जनरल में आ गई। दूसरी वाली कौन है? दूसरी एक ये नित्या है, जो नित्या भी ग्रेड उसका रेड था, तो तेल मालिश से उसका जुकाम उखाम में फर्क आया और वो रेड येलो में आ गया। अच्छा अच्छा, और सब हो गए 5 बच्चे? कम से कम जैसे हमारे जो बच्चे हैं और भी जो आएंगे, हम चाहेंगे ये तेल हमको ऐसे ही आगे मिलता रहे। हाँ। जिससे हम क्षेत्र वालों की मदद कर सकें। तेल से क्या फायदा होता है? सर्दी खांसी क्या होता है? सर्दी जुकाम है, वो ठीक हो जाता है। पसलियों में दर्द है, सीने में दर्द, इससे थोड़ा बच्चों को फर्क पड़ता है। अच्छा, भूख पड़ती है बच्चों की? भूख पड़ती है उससे? कुछ लोगों की इसमें भूख में भी फर्क पड़ा है, खुजली भी सही हो रही है सर इसमें तेल से। सर इसमें कुछ बड़े लोगों को भी परिवर्तन आ रहा है, जो दर्द दर्द होता था उसमें भी फर्क आ रहा है। अच्छा अच्छा, तेल आपको चाहिए आगे भविष्य में? आगे भविष्य में हम चाहेंगे कि हमको और केंद्रों में भी इसको मदद मिले। हाँ। सभी को तो इससे क्या फायदा होगा? कितने बच्चे आउट रहेंगे? कम से कम बच्चों के भी बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट होगा, वजन बढ़ेगा और उनकी भूख बढ़ेगी, ग्रेड परिवर्तन हो जाएगा, ग्रेड परिवर्तन कम से आधे बार हो जाएगा 50%, तो ठीक है ना? हाँ सर, कम से कम 50% तो हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, आगे हम चाहेंगे हमें इन लोगों से ऐसी मदद मिले। ठीक ठीक, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? भारती से जोड़ बोलना। भारती। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? विकास। हैं? विकास। कहाँ से आए हो? तेलीगढ़ा। आपने हमने वो तेल दिया था? हाँ। मालिश करी उसकी? क्या फ़ायदा हुआ उससे? खाना खाने लग गया और सर्दी खांसी कम हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ख़त्म नहीं हुई सर्दी खांसी? अभी अभी है, वही ख़त्म हो गई? ठीक ठीक ठीक।
बच्चे क्या नाम है? बच्चों क्या दिक्कत हो गई थी? छामा तेल लगाया आपने, फ़ायदा हुआ उससे? क्या फ़ायदा हुआ? बहुत बहुत फ़ायदा में क्या क्या हुआ? भूख पड़ी और सर्दी खांसी ठीक हुई? सर्दी खांसी ठीक हुई, वो ठीक हो गई। तेल ने अच्छा काम किया मतलब। ठीक ठीक धन्यवाद।